पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया मोड़ आ गया। पिछले बरस भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने पीसीबी से जाने के बाद खामोशी तोड़ दी। पहली बार एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि एक कड़वा सच है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल मायूस कुन है। वो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। इसी बिना पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल अच्छी नहीं है। मिकी आर्थर ने यह इंकशाफ किया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम की शिकस्त के हवाले से जो रिव्यू इजलास बुलाया वो महज ड्रामा था। उसका अंदाजा उन्हें इस बात से हुआ कि जब वो पीसीबी हेडक्वार्टर पहुंचे तो वहां साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज पहले से ही मौजूद थे। मिकी आर्थर ने कहा कि ज़का अशरफ ने उन्हें पीसीबी के म्यूजियम में बुलाकर बातचीत की और बहुत सवाल किए और उन्हें बताया कि वो कप्तान और सपोर्ट स्टाफ को ज़का अशरफ ने कहा कि हम इन अफराद को नई जिम्मेदारियाँ देंगे, लेकिन उनके ख्याल में ये मुमकिन न था। मिकी आर्थर ने कहा कि इसीलिए सेटलमेंट की बात की और फिर इस्तीफा दे दिया। अगर फौरी इस्तीफा देते तो जिनको हटाया जा रहा था उन्हें कुछ न मिलता।